गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आई होप आप लोग सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी प्रकार घर पे बने रहिए और हमारे वीडियो लेक्चर्स देख के अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू। चलो तो हम वेपर प्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक कंटेनर सपोज कर लो कि एक कंटेनर है हमारे पास, क्लोज्ड कंटेनर है बेसिकली। ये कंटेनर पूरी तरीके से क्लोज्ड है, ठीक है। क्योंकि याद रखना, ओपन कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर को हम कैलकुलेट, या मतलब समझ लो एक कंसेप्ट ही नहीं रहा कि ओपन कंटेनर के अंदर हम एक जो है वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो गलत होता है। चलो तो हमने क्लोज्ड कंटेनर लेट किया, उसके अंदर हमने कोई प्योर लिक्विड जो है डाल दिया, ठीक है। अप टू सम लेवल हमने उस प्योर लिक्विड को इस कंटेनर के अंदर अप टू सम लेवल हमने उसमें इंसर्ट किया और फिर उस कंटेनर को क्लोज किया। अब होगा क्या, देखो, मॉलिक्यूल्स विद हाई एनर्जी, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में है उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। कुछ मॉलिक्यूल थोड़े ज्यादा नीचे हैं, ज्यादा नीचे का मतलब है बल्क में है, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे है। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल विच आर इन टू द बल्क ऑफ द लिक्विड। सो मॉलिक्यूल्स विद हाई एनर्जी कैन इवेपोरेट मॉलिक्यूल्स विद हाई एनर्जी कैन इवेपोरेट, ठीक है। अगर ये इवेपोरेट हो सकते हैं, सो दे विल कम टू वेपर फेस, वो वेपर फेस में आएंगे। यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेस में है उनमें वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी हाई है वो जो है वो वेपर फेस में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी अलाउ करेगी, उस बैरियर को तोड़ देगी जिससे कि वो उस सरफेस को क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, समझ रहे हो। सिमिलरली एट द सेम टाइम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेपर फेस विल गो टू लिक्विड फेस। मॉलिक्यूल जो है जो वेपर फेस में आए हैं उनकी एनर्जी कम हो रही है तो वापस कंडेंस करने की कोशिश करेंगे, और कंडेंस करेंगे तो वापस किस में जाएंगे, लिक्विड फेस में जाएंगे। आफ्टर सम टाइम एन इक्विलिब्रियम विल एस्टाब्लिश्ड, है कि नहीं, होगा, समझ रहे हो। देखो, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा थी वो वेपर फेस में आ गए, अब क्योंकि वेपर फेस में आए तो एनर्जी घटेगी, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वापस से कंडेंस करने की कोशिश करेंगे। जब वो कंडेंस करेंगे तो वापस लिक्विड फेस में आएंगे। तो ये रेट, पहले तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, फिर क्योंकि मॉलिक्यूल्स वेपर के बढ़ गए उसकी वजह से फिर रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे दोनों रेट क्या हो जाने वाले हैं, इक्वल हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन एट दिस पर्टिकुलर टाइम, एट दिस पर्टिकुलर टाइम द प्रेशर, अब ये हमारी मेन डेफिनेशन है, द प्रेशर exerted by vapors, the pressure exerted by vapors at equilibrium, at equilibrium is called the vapor pressure, समझ रहे हो, is called the vapor pressure, और इसी टर्म को aqueous tension भी कहते हैं, इसी टर्म को एक्वस टेंशन भी कहते हैं, याद रखना। तुमने पढ़ा होगा एक्वस टेंशन, वेपर प्रेशर, है ना, ये सब टर्म तुम पहले पढ़ चुके हो फिजिक्स में भी,
और केमिस्ट्री के अंदर भी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि H2O लिक्विड फेज में हमने उसको हीट किया, और वो H2O वेपर फेज में आया, पता ही है सबको। ठीक है, क्योंकि ये साइन तुम्हें समझ में आ रहा है, ये साइन इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है कि H2O वाटर और H2O वेपर दोनों में क्या, H2O लिक्विड और H2O वेपर दोनों में क्या एस्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो उसी साइन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं इसका Kp लिखूं तो Kp क्या होगा, वेपर प्रेशर, यानी कि P ऑफ H2O वेपर, और उसी को प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। फिर से समझो, तुम्हें केपी के केसी तो याद होगा ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, केपी होता है, पहले केसी होता है कंसंट्रेशन ऑफ H2O वेपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। लिक्विड क्यों नहीं लिखते, बिकॉज लिक्विड सॉलिड्स की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, तो केसी यही आएगा। सिमिलरली केपी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ H2O प्रोडक्ट साइड का डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2O रिएक्टेंट साइड का, अब रिएक्टेंट साइड में फिर लिक्विड है, लिक्विड का भी प्रेशर जो है नहीं चेंज, लिक्विड सॉलिड्स का भी प्रेशर चेंज नहीं करता। केपी फॉर मतलब प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड विल बी वन, यूनिटी घट जाएगा, तो यही बचेगा ना जो मैंने लिखा है, और यही प्रेशर क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट किया है और डेफिनेशन में मैंने लिखा भी है, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है बच्चों, Kp और Kc पढ़ा था, इज ओनली डिपेंडेंस, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। Kp जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Kp एंड Kc ये दोनों के दोनों क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आपको 11वीं में भी बताया जा चुका है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि Kp अगर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, तो वेपर प्रेशर इज ऑल्सो only depends upon temperature, vapor pressure भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, temperature पे डिपेंड करेगा और किसी quantity पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, चलो आपको एक चीज याद रखनी है, नोट कर लो इसको, ये आपको डाटा हो सकता है क्वेश्चन में मिले, नहीं दिया होगा तो आपको याद होना चाहिए कि एट रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होता है वो 23.8 टोर होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली हम न्यूमेरिकल्स में कितना यूज करते हैं, 24 टोर, इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्या नोट है, नोट ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें क्योंकि न्यूमेरिकल में इट माइट बी पॉसिबल कि न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हो सकता है ना भी दी हो, तो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको, तो उस केस में आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको रखने के लिए। रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 23.8 टोर होता है, हम उसको न्यूमेरिकल में कन्वीनियंट करने के लिए 24 टोर के इक्वल रखेंगे अप्रोक्सीमेट करके। ठीक है, याद रखना इसको, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि वेपर प्रेशर इज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, क्लियर, अभी जस्ट पढ़ा हमने, वेपर प्रेशर अगर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में ही एक रिलेशन पढ़ा था, लॉग बेस 10 Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, जिन बच्चों का याद है बहुत अच्छी बात है,
जिनको नहीं है वो याद करें, ठीक है। लॉग विद बेस 10 KP2 अपॉन KP1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, क्योंकि वी नो दैट एट टेम्परेचर T1 जो KP होगा वो KP1 होगा और वो VP1 होगा। VP1 का मतलब वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। इसी तरीके से टेम्परेचर T2 पे जो वैल्यू होगी KP की वो KP2 कह रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। KP2 और एट दैट टाइम वेपर प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर हमारा चेंज हुआ है तो वेपर प्रेशर भी चेंज हुआ, तो उसको मैं VP2 मार्क कर रहा हूँ। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूँ KP1 की जगह VP1 और KP2 की जगह VP2, तो माई रिलेशन विल बिकम लॉग बेस 10 वेपर प्रेशर 1 नहीं सॉरी वेपर प्रेशर 2 डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। This equation is called Clausius-Clapeyron equation, ठीक है। जेई में इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। कैसे पूछा जाएगा? बहुत सिंपल सवाल, सबसे पहला ये बनेगा कि एट T1 वेपर प्रेशर इज VP1, समझना डाटा को समझना, ठीक है। T2 पे बताइए वेपर प्रेशर क्या होगा, तो बहुत इजी है। डेल्टा एच आपको गिवन होगा ना, इन एनी केस या तो डेल्टा एच गिवन होगा या थोड़ा और मुश्किल करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो डेल्टा एच भी कैलकुलेट करवा देगा। डेल्टा एच निकालने के बहुत मेथड्स हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग डाटा अवेलेबल होगा डेल्टा एच निकालने के लिए। बट सवाल वेपर प्रेशर से रिलेटेड होगा, तो एक सवाल तो ये बनता है कि टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर अगर किसी लिक्विड का VP1 है तो T2 पे बताइए क्या होगा, डेल्टा एच गिवन है और निकालना है जैसे भी, ठीक है। दूसरा ग्राफ पूछ देगा और स्लोप रिक्वायर कर देगा, ठीक है। ग्राफ भी पूछ सकता है वो, याद रखना इस चीज को, यहाँ पे ग्राफ भी बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, रिमेंबर इट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा और समझाता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब देखो एग्जांपल क्या है, एक है वाटर और एक है इथेनॉल, क्या होता है, एक है वाटर एक है इथेनॉल। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है, ठीक है। और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पता होना चाहिए आपको, 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी सब्सटेंस बेसिकली किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल हो जाए। ये पता होगा सबको कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड के लिए जिस टेम्परेचर पे द वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड विल बिकम इक्वल टू 1 atm प्रेशर, तब वो लिक्विड क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। हमें पता है ये बात, है ना। तो इसका मतलब यह है कि H2O 100 डिग्री सेल्सियस पे जो H2O के वेपर्स उठते हैं वेपराइज होके, है ना, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, 1 atm। सिमिलरली इथेनॉल 78 डिग्री सेल्सियस पर ही वो काम कर देता है जो वाटर कितने टेम्परेचर पे कर रहा है, 100 पे। तो क्या रिलेशन समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा लिक्विड का वोलाटाइल नेचर, उतना ज्यादा होगा। वोलाटाइल का मतलब होता है वेपर में आने की कैपेबिलिटी, वो कोई लिक्विड कितना वेपर में आ सकता है, कितना जल्दी वेपर में आ सकता है। तो लिक्विड वोलाटाइल कैपेबिलिटी जो नेचर है वो ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वेपर उतने ज्यादा जल्दी जो है किसमें आएंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कितने उतने ज्यादा जल्दी वेपर फेज में आएंगे। और लिक्विड वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा इसका मतलब वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई, बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का जितना कम होगा उस लिक्विड का वोलेटाइल होने का नेचर उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा उसका वोलेटाइल होने का नेचर होगा उसका वेपर प्रेशर ऑफकोर्स उतना ज्यादा होगा। तो समझ में आ रहा है। अब आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट दे दिया जाए लिक्विड्स का तो पूछे बताइए इसमें किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो आप बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि वेपर प्रेशर जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया, तो अब हम उसका इंक्रीज और डिक्रीज इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल यूज किए होते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द सिंबल्स, ठीक है। सभी फॉर्मूले वही हैं जो हम डिराइव करेंगे, बट सिंबल्स का फर्क हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक से पढ़ रहे हैं और मेरे वीडियो लेक्चर्स को रेफरेंस में ले रहे हैं तो सिंबल्स का फर्क हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक प्योर लिक्विड ले लेते हैं, लेट प्योर लिक्विड कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, क्या हमने कहा कि एक कंटेनर है क्लोज्ड, हमने उसमें एक प्योर लिक्विड ले लिया, ठीक है। रेफरेंस के लिए हम वाटर ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्योर होना चाहिए बस पहले। तो होगा ये, हमने पहले ही बताया कि विद द मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी विल गो इनटू वेपर फेस, ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। The molecules with high energy will go into vapor phase. और जब वो vapor phase में जाएंगे, तो they will exert a pressure because when the equilibrium will attained, they will exert a pressure which is called as vapor pressure. Let's say कि उस वक्त जब liquid pure है, उस वक्त जो vapor pressure हो क्या है, P naught है, हम P naught symbol ले रहे हैं, different books में different हो सकता है, ठीक है। लेट्स से कि जब लिक्विड प्योर है उस वक्त उसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट है। अब हमने क्या हुआ, क्या किया, नाउ ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू द लिक्विड, लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, बड़ा ही आसान, जैसे कि हम शुगर ऐड कर सकते हैं, यूरिया ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, ये भी नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, है ना, बहुत सारे एग्जांपल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें से कोई भी ऐड कर दो, अब देखो होगा क्या, होगा ये कि कंटेनर क्लोज था, ठीक है, उसमें हमने, मैं ब्लैक से तो पहले लिक्विड बना दूं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स है ब्लैक से जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, सम डिफरेंट कलर यूज करते हैं, ठीक, वो है ग्रीन यूज कर, ग्रीन नहीं, ये ज्यादा विजिबल नहीं है, ब्लू यूज करते हैं, फिर ब्लू विजिबल होगा, ठीक है। तो ब्लू के पार्टिकल्स में थोड़े बड़े बनाता हूँ क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल से बड़े होते हैं, ये बात आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये आपने उसमें सपोज NaCl डाला, नमक डाल दिया, वो घुल गए और वो इसके सराउंडिंग में फैल गए, यहां पर भी सरफेस पर भी वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो आए वेपर फेस में, आएंगे, है ना, और वेपर फेस में आए क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो रिमेंबर इट कि लिक्विड के ही, वाटर के ही पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, क्योंकि सपोज मैंने वाटर लिया है ऐसे सॉल्वेंट, तो वाटर के पार्टिकल जो है वेपर फेस में आने वाले हैं, NaCl के पार्टिकल मत उड़ा के ले आना, ठीक है। तो यहां पर तो सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल्स आएंगे, बट सवाल ये है कि क्या नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन द वेपर फेस आर सेम एज इन केस ऑफ द प्योर लिक्विड, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड के इस बार सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर फेस में आए हैं, क्या वो सेम है जब वो लिक्विड प्योर था, खुद ही सवाल समझ के उसका आंसर दो, ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा।
या ज्यादा है या कम है, ये भी समझ लो, है ना? ठीक है, कि वो बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर वेपर फेज में आएंगे या कम आने वाले हैं या ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर नाउ एबल टू कम टू वेपर फेज। कम पार्टिकल्स अब वेपर फेज में आ पाएंगे, ये स्टेटमेंट आ रही है समझ में? क्यों आ पाएंगे कम पार्टिकल्स? बिकॉज ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू द लिक्विड, लेस एरिया विल बी अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन एंड यू नो दैट जो इवेपोरेशन होता है, ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना जल्दी पानी उड़ता है या लिक्विड उड़ता है, ये पता है ना सबको? ठीक है, तो लेस एरिया विल बी अवेलेबल फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस, क्योंकि भैया कुछ जगह तो सॉल्ट के पार्टिकल्स भी उठाएंगे ना, कुछ जगह तो सॉल्ट के पार्टिकल्स भी पकड़ेंगे, तो जो जगह अवेलेबल पहले थी, कंटेनर का साइज वाइज नहीं बढ़ाया, कंटेनर का साइज एकदम सेम है, लिक्विड का जो सरफेस इंटरफेस था वो भी बिल्कुल सेम है, बट अब उसमें बीच बीच में कौन से पार्टिकल और ऐड हो गए हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो एरिया पहले था अवेलेबल उड़ने के लिए पानी के मॉलिक्यूल्स को, वो अब नहीं है, कम हो गया। कम एरिया मतलब कम इवेपोरेशन, कम इवेपोरेशन मतलब लेस वेपर प्रेशर, लेस वेपर प्रेशर। तो मान लो इस केस में, क्योंकि ये सॉल्यूशन बन गया, पहले तो वो सिर्फ सॉल्वेंट था जिसको हमने पी नॉट से वेपर प्रेशर दिखाया था, अब ये सॉल्यूशन बन गया है जिसका हम वेपर प्रेशर पीएस से दिखा रहे हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, तो चेंज आया, चेंज इन वेपर प्रेशर आया, चेंज इन वेपर प्रेशर आया कितना? देख सकते हो मैंने क्या लिखा, लेस वेपर प्रेशर। लेस वेपर प्रेशर का मतलब है पीएस जो है वो कम है पी नॉट से, तो चेंज कितने का आएगा भैया? पी नॉट माइनस पीएस के बराबर का चेंज आएगा, विच इज इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा पी, चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट माइनस पीएस। क्यों पी नॉट माइनस पीएस? क्योंकि पी नॉट ज्यादा है, पीएस कम है। पीएस है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी नॉट है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, आप इसमें बहस नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किसके कंपेरिजन में? अगर हम उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें उसके कंपेरिजन। अब अगर मैं डेल्टा पी को पी नॉट से डिवाइड कर दूं, ठीक है, डेल्टा पी को पी नॉट से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब है कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, इसी टर्म को कहा जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। प्लीज रिमेंबर, ठीक है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही जो टर्म है वे क्या कहलाती है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। आगे इसी की थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो हम करेंगे, ठीक है, चलो या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, रॉल्ट एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने वेपर प्रेशर की खूब स्टडी करके हमें बहुत सारे कुछ कुछ फॉर्मूले दिए हैं, वो फॉर्मूले अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि रॉल्ट लॉ फॉर
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या कहते थे ये, इनका कहना था बहुत सिंपल है, यहां से समझो, दैट इफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर लिक्विड देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है. इफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर लिक्विड देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. इसका मतलब ये है कि जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ कहां गया सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, यानी कि पीएस, पीएस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमने बोला ही नहीं, इज इक्वल टू पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना, साफ साफ क्लियर है, ठीक है, कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इफ वी एड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, टू द प्योर लिक्विड देन वेपर प्रेशर विल चेंज, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जिसको हम पी नॉट से मार्क करते हैं एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट. चलो आगे बढ़ते हैं, हमें पता है पी नॉट को इधर ले आओ तो पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, 1 होता है. तो यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. इसको रखेंगे यहां पर तो पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट. लेट्स टेक द एलसीएम तो पी नॉट माइनस पी एस सॉरी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ध्यान से देखें क्या ये डेल्टा पी नहीं है, ये पी नॉट है और ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल. तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर आर एल वी पी, ठीक है. तो एक फॉर्मूला आपके बिल्कुल सामने है रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर का, दैट डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, याद रखें इसको, ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज रिमाइंड इट. चलो ये जो हमारे पास आया था इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर रहा हूं, ये पी नॉट, या मैं इसको बाद में ही लिख दूंगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, आया क्या था, पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. इसको मैं ऊपर में लिख सकता था, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर रहा हूं और ये जो आई है इसको मैं इक्वेशन
टू मार्क कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ टू डिवाइडेड बाई वन। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इज इट ओके? If I put the values P naught and P naught will get cancelled, delta P upon PS will become, मैं अब mole fractions के formula लिख रहा हूँ, क्या होगा? Mole fraction of solute का formula होगा number of moles of solute divided by total, total करके लिख रहा हूँ, solute plus solvent लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Similarly number of moles of solvent divided by n total, total. ठीक है, n टोटल से n टोटल विल गेट कैंसल्ड, सो व्हाट विल कम? डेल्टा p अपॉन ps इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ये एक फॉर्मूला आया। अभी i कहीं भी दिखाई दे रहा है आपको? वेंट ऑफ फैक्टर कहीं भी दिखाई दे रहा है? नहीं, तो वो इंट्रोड्यूस होगा। याद रखें कि ये है ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि आप तो घोल दिया, घोल की कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने सपोज सॉल्ट लिया या यूरिया या जो भी लिया, वो घोल दिया, घोल के कैलकुलेशन कर डाली। तो कैलकुलेशन कर दी तो जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा रिजल्ट आएगा? सपोज NaCl डाला था तो उसका दो, एक मोल दो मोल में कन्वर्ट होता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो दो मोल के अकॉर्डिंग आएगा ना। याद रख करो फिर से वही बात जो मैंने बताई है, जो रिजल्ट आएगा वो दो मोल के अकॉर्डिंग आएगा, तो वो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है, तो इसीलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है आई क्या होता है, आई होता है एन ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई एन थियोरेटिकल। यहां से एन ऑब्जर्व की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे तो आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई टाइम्स आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन से थियोरेटिकल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये एक फॉर्मूला बना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अपन हम जानते हैं यहां पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वो होता है, या एक काम करो सॉल्यूट की जरूरत ही नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वो होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई ऐसा कोई खास पर्पज नहीं है। ये मैं यहाँ पर रखूंगा, इसके अंदर प्लेस करूंगा। तो डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू एन सॉल्यूट। अब अंडरस्टूड कर लेना, क्योंकि आई आ चुका है तो ये मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े थियोरेटिकल थियोरेटिकल। अंडरस्टूड रखो कि आई इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स अब सॉल्यूट के कौन से होंगे, थियोरेटिकल होंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई इंटू एन सॉल्यूट इंटू मोलर मास सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। जो वेट लेते हैं हम नॉर्मली किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में ग्राम में ही होता है, तो वही रखा है हमने यहाँ पर, तो ग्राम में है। तो क्या करो, इसको थाउजेंड से डिवाइड कर दो, थाउजेंड से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब ये मैं पहले लिख लेता हूँ, कि आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू इंटू मोलर मास सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अब ये केजी में है क्योंकि थाउजेंड से डिवाइड कर दिया ग्राम को, इंटू थाउजेंड। अब ये क्या है भैया,
जहाँ तक मुझे लगता है डेल्टा पी अपॉन पी एस ये होता है मोलैरिटी। स्मॉल एम ये स्मॉल एम दिस इज मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट एक सेकंड वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी। ठीक है तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को ही हम मोलैलिटी बोलते हैं। तो मैंने मोलैलिटी से हटा दी तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ठीक है अगर मोलैलिटी आपको गिवन होगा तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं मैं वो लिख रहा हूँ और जो आपको थोड़े से नेग्लेक्ट करने थोड़े से मतलब ऐसा नहीं कोई यूज नहीं करने वो यूज हो सकते हैं बट डिपेंड करेगा सवाल की सिचुएशन पे। मैं समझाता हूँ आपको। देखो पीछे हमने एक फॉर्मूला लिखा डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली यूज है, ये आपका मोस्टली यूज हो जाएगा, समझ रहे हो। दूसरा अगर मोलैलिटी गिवन होगा वैसे तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, मोलैलिटी गिवन होगा तो उससे और भी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती है, बट याद हो और मोलैलिटी आपको गिवन हो तो आप डायरेक्टली लगा दोगे, तुरंत होगा सवाल। ठीक है एक फॉर्मूला और होता है जो अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड होता है जिसको हम थोड़ा सा निगलेक्ट कभी कभी करेंगे, जिसको जो कि अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड होता है। अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब है वो समझिए कि वी नो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट होते हैं वो वेरी वेरी मच लेस देन होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। अब अगर ऐसा है तो हमने पहले इक्वेशन पढ़ी थी आर एल वी पी की, क्या रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की इक्वेशन डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये पढ़ा था हमने। देखते जाओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम पता है ना क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, टोटल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू वी नो क्योंकि ये सॉल्यूट के मोल्स बहुत ही कम होते हैं सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो फ्रॉम डिनोमिनेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड। पहले लिख लेते हैं एज एन सॉल्यूट is very much less than n solvent, so it can be neglected. तो neglect करेंगे तो delta p upon p naught is equal to n solute divided by n solvent. और फिर से ये I इस फॉर्मूले में भी दिखाई नहीं दे रहा, वेंट ऑफ फैक्टर इस फॉर्मूले के अंदर भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब कौन से है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। I लगा दो ये अभी है हमारे ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा P अपॉन P नॉट हमें मालूम है क्या रिलेशन होता है, I आ जाएगा और ये सॉल्यूट के जो मोल्स हैं ये कौन से हो जाएंगे थियोरेटिकल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। This will be another formula, but मैं आपको preference नहीं दूंगा। Preference कब नहीं दूंगा कब दूंगा देखो समझो, सवाल में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि moles के solute और solute के moles और solvent के moles में बहुत बड़ा gap है, solvent के moles जो है वो बहुत ज़्यादा है और solvent solute के moles बहुत कम है,
इन दैट केस आप अप्रोक्सीमेशन कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा सवाल, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है देन डोंट गो फॉर दिस फॉर्मूला, ठीक है, देन यूज द प्राइमरी फॉर्मूला विच इज दिस, डेल्टा पी नो डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थियोरेटिकल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा प्राइमरी फॉर्मूला है, ठीक है भैया, क्योंकि इस तरफ पी एस है, इसमें कोई दिक्कत। वेपर प्रेशर के जो फॉर्मूले हो सकते थे वो मैंने आपको डिराइव करा दिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और वेपर प्रेशर के टॉपिक को जितना आज हो सकता है उतना करके लेक्चर को समाप्त कर देंगे, बहुत बड़ा लेक्चर आज नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए चलिए, एग्जाम्पल है 2 मोलल यूरिया एक्वस सोल्यूशन इज टेकन, कैलकुलेट इट्स वेपर प्रेशर, आपको दिया क्या हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 24 डोर, वो पहले से बताया हमें, ठीक है। देखो यहाँ पर मोलैलिटी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी दी हुई है तो आप प्रेफरेबली किस फॉर्मूले के लिए जाओ, मोलैलिटी वाले फॉर्मूले के लिए जाओ, ठीक। चलो करते हैं, तो फॉर्मूला क्या था हमारा मोलैलिटी वाला, डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000, ठीक। यूरिया है, दिख रहा है, यूरिया सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉल्यूट यूरिया, यूरिया नॉन वोलेटाइल होता है, और क्योंकि यूरिया नॉन वोलेटाइल होता है तो ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक का सवाल है जो हमने किया है, डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई, यूरिया का, यूरिया नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब है कि यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1 होने वाली है, तो 1 इंटू मोलैलिटी 2, ठीक है, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज एक्वस मतलब वाटर 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1000। राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हम डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू 1 into 2, ऐसे करो 36/1000, तो वैल्यूज रख दो, यहां पे आ जाएगा 24 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू 0.036, इस 1 को उधर भेज देंगे तो 24 अपॉन पी एस इज इक्वल टू 1. ऐड कर देंगे तो 1.036 आ जाएगा, तो 24 अपॉन पी एस इज इक्वल टू 1.036, पी एस हमारा आ जाएगा, पी एस विल बी इक्वल टू 24 अपॉन 1.036, तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद 23.166 डोर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। पी एस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमने क्या बताया था, जब भी हम सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर, है या नहीं है, 24 और 23 में फर्क पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 6 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्वड इन 500 ग्राम सॉल्यूशन एक्वस, ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ H2O प्योर 24 टॉर्क है वो हमें पता है, ठीक है, आंसर करते हैं। देखो सॉल्यूट की बात पहले की जाएगी, सॉल्यूट की बात पहले कर लेते हैं, सॉल्यूट है हमारा ग्लूकोज, सॉल्यूट ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला था C12H22O11, तो इसका जो मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 180 ग्राम पर मोल, अगर इसका मोलर मास 180 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट मींस ग्लूकोज वो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास,
काट लीजिए इसको 1/30, ठीक है, दिख रहा है ना 1/30। ठीक, उसके बाद आते हैं हम, हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 500 ग्राम, 500 ग्राम, और मास ऑफ, इसको हम ना W से लिखेंगे, सॉरी W, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 500 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूट वो है 6 ग्राम। तो दिखाई दे रहा है, यहां से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या सॉल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 494 ग्राम। ठीक आएगा 494 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे, गिवन मास 494 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला याद करिए, डेल्टा पी बाय पीएस इज इक्वल टू आई टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थियोरेटिकल जो कि हमने उठा लिया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द डाटा, इसको मैं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस लिख रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा पी की जगह पर, इनटू आई। आई ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका जो आई होगा वो 1 होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाले 1/30, जी ये 1/30, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 494/80। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आप पी नॉट की जगह पे लिख दोगे 24 डिवाइडेड बाई पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 494। यहाँ से आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हो, सब बच्चे पी एस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सवाल इजी था ना, सवाल बहुत इजी होता है, ऐसा ही सवाल होता है। चलो नेक्स्ट भी एक करते हैं सवाल हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, 6 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व विद 500 ग्राम वाटर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आप करें, ठीक है, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। जिस जिसका ये सवाल हो जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जो है पोस्ट कर दें, मैं मैच करके आपके आंसर देख के आपको बताऊंगा सही किया गलत किया क्या किया आपने, ठीक है। चलिए तो हम उसका अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट को एक एग्जाम्पल उठाते हैं। चलो अब हम थोड़े से सवाल इंटर कन्वर्जन पे बेस्ड करेंगे जो कि मेनली पेपर में आते हैं, ठीक है, इंटर कन्वर्जन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको सॉल्यूशन पे कमांड बनानी है तो मोल कंसेप्ट पे तो आपकी कमांड मस्ट है, वो अगर आपको नहीं आएगा चीजों को इंटर कन्वर्ट करना तो फिर आपके लिए डाटा जो भी सवाल होगा वो मुश्किल दिखाई देगा आपको। लेकिन अगर आपको एक चीज दी हुई है उससे बाकी की चीजें निकालनी आती है तो आपके लिए वो सवाल मुश्किल हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो हम ट्राई करते हैं एक दो सवाल करने की और फिर देखते हैं क्या होता है। 10% वेट बाय वेट यूरिया एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस निकालना है और पी नॉट हमें एज यूजुअल पता है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, क्या दो तरीके हैं, कि या तो आप 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यूरिया एक्वस को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर लो एंड देन जस्ट गो एंड यूज द मोलैलिटी फॉर्मूला जो आपने पीछे लिखवाया हुआ है। दूसरा सिंपल बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलो, वो भी बहुत आसान है, जो छोटा है वो करवा रहे हैं, ठीक है, जो ज्यादा आसान है। मोलैलिटी में कन्वर्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि बच्चे उसको पकड़ते नहीं है, बट जो ज्यादा सिंपल है मैं वो करा रहा हूँ। देखो 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यूरिया एक्वो सोल्यूशन इज टेकन, तो 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का क्या मतलब है कि 10 ग्राम यूरिया है इन 100 ग्राम सोल्यूशन। W by W का तो फॉर्मूला पता ही होगा सबको कि परसेंट W by W का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों होते हैं ग्राम में। तो क्योंकि दिखाई दे रहा है तो अब आ जाते हैं हम यूरिया यानी कि सॉल्यूट, और इस तरफ आ जाते हैं हम सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्यूट है हमारा यूरिया, सॉल्वेंट है हमारा वाटर। सॉल्यूट का मास है W
इसको, हाँ चलो भाई सॉल्यूट टू लिखते हैं, ये है 10 ग्राम, और इधर आ जाओ सॉल्यूशन पे। वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 100 ग्राम। तो किसी को कोई डाउट कि सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? 100 माइनस 10 ग्राम, 90 ग्राम। चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, किसी को कोई डाउट? क्योंकि यूरिया है तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, और इसका मोलर मास अगर मैं लिख दूं तो वो होगा 60 ग्राम पर मोल। तो 10 डिवाइड बाई 60, इसका मतलब 1/6 मोल। सिमिलरली मुझे जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाजिर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे, 90 गिवन मास, मास ऑफ वाटर है ना, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलर मास 18। तो ये आ जाएगा हमारा 5 मोल, जहां तक मेरी कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, क्या चाहिए अब, आई सॉल्यूट क्या है हमारा, यूरिया। यूरिया होता है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये यहां नहीं लिखना चाहिए हमें, सॉरी, यूरिया। आई यूरिया के लिए जो मेंटो फैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा पी बाई पी एस इज इक्वल टू आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 1/6 डिवाइडेड बाई 5। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू 5/1/30। पी नॉट माइनस अपॉन पी एस इज -1 इज इक्वल टू 1/30। अब आप मैं इससे आगे नहीं कर रहा, आप यहाँ से पी एस कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसान। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, देखते हैं। 10% डब्ल्यू बाई वी एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज टेकन, ठीक है, इज टेकन 10% डब्ल्यू बाई वी यूरिया सॉल्यूशन इज टेकन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पीएस कैलकुलेट करने को कह रहा है। पी नॉट जो है वो 24 टोर है, दिस इज गिवन टू अस, आंसर आंसर क्या कहता है, देखो हमें दिया है 10% डब्ल्यू बाई वी, दैट मीन्स 10 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अपना डाटा सेपरेट कर लो, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमें दिया हुआ है यूरिया 10 ग्राम, मोलर मास यूरिया का होता है 60 ग्राम पर मोल। अब मुझे बार बार फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के वो आ जाएंगे 10/60, 1/6 मोल। सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं, सॉल्वेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है हमें, वो है 1.2 ग्राम पर एमएल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। तो क्या हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यू नो 1.2 × 100 120 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना अब मुश्किल नहीं रहा, दिखाई दे रहा है, 10 ग्राम 120 ग्राम में
यूरिया है 120 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया है, तो पानी कितना बचा? 120 माइनस 10 यानी कि 110 ग्राम। अब हम मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया बोल रहा हूँ, वाटर, तो वो आ जाएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इसको आप डिवाइड कर लेना, अभी मैं नहीं कर रहा इसको, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला आ जाता है, डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि यूरिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आई मेटा फैक्टर 1 होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1/6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 110/18। इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, इसको मैं लिख रहा हूँ पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू 1/6 इंटू 18 बाई 110। और अब आप सॉल्व करेंगे थ्री अपॉन 110 और यहां से आप पी एस कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद करेंगे, ठीक है। चलो सवाल कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सवाल इतने ही ईजी होते हैं, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सवाल इतने ही ईजी होते हैं। इंटर कन्वर्जन का ध्यान रखना, इंटर कन्वर्जन गलत ना हो उस पर, अगर वो आप बचा लो तो समझ लो आपका सोल्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता। चलो सवाल क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सोल्यूशन इज 0.1, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी एस, पी नॉट बाई 24 टोर है यूज करना है आंसर। देखो अब ध्यान से, ये सवाल थोड़ा सा ना ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा समझिए इस सवाल को, क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया ये है 0.1, इसको मैं 1/10 कह सकता हूँ। 1/10 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्लियर है। देखो रेशियो, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स हो तो दिस इज अ रेशियो। अगर कोई भी मोल्स की वैल्यू आपको दी नहीं हुई है तो आप क्या करो, अज्यूम करो, यहां थोड़ी सी अजम्पशन लगानी पड़ेगी आपको, अज्यूम दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आपके पास 1 मोल है। मैंने इसके अकॉर्डिंग ही अज्यूम किया है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। सपोज पहले मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आपने 1 अज्यूम कर लिए, तो अगर आप इसको 1 रख के सॉल्व कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, वो आप देख लो, समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, हाँ सॉल्व करके देख लेना। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, मान लो हमें तो पता नहीं है ना, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, आप 2 लाख ही अज्यूम कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से वैल्यू रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अगर 2 मोल्स अज्यूम करते हो, ठीक है, तो अगर यहाँ 2 रखोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन एच टू ओ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, 20 में से 2 जाके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 18 आ जाएगा। 3 रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग, 4 रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग, 5 रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कुछ भी रखो रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, 1/10 आना चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूरिया का 1/10 है, और वो अगर आपके 1000 है तो सॉल्यूट भी उसी हिसाब से होंगे, डिवाइड करोगे दोनों को मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में रख के तो वो 1/10 आना चाहिए। इसका मतलब आप सवाल एकदम सही रास्ते पे लेके जा रहे हो, वैल्यू जो आने वाली है विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, देखो इससे करते हैं, पहले इससे करते हैं फिर इससे करते हैं, देखो दोनों में से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर मैं ये डाटा लेके चलूं तो मेरा फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू आई, क्योंकि फिर से यूरिया बार बार नहीं जरूरत है बोलने की, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 9, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके यहाँ से पी एस निकाल सकते हो। इसी तरीके से इधर देखो, अगर मैं ये डाटा उठा लेता
तो भी क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। रखो जरा, आई वन होता है यहाँ पे, तो आप पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस कर दो, आई वन होता है ठीक है यूरिया के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने एज्यूम किए टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गए 18, ये काटोगे तो वही क्या बचा, तो आपका वही फॉर्मूला देखो वही बच गया ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू 1/9। यहां से भी आप पी एस कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा जो यहाँ आ रहा है, आप 3 रखते उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आती, फिर 1/9 रेशियो यहाँ पे बच के आता और फिर वही सब फॉर्मूला आता। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, तो आपको थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा एजम्पशन का इस्तेमाल करना है, वो क्या है कि वो 1/10 ही रहना चाहिए जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है। आप कोई भी डाटा रखो, 40 रखो, 40 के अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे, ऐड होके वो अगेन 1/10 ही बचेगा डिवाइड होके, ठीक है। तो सवाल समझ आया कैसे किया हमने, रेशियो को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं, अगला और इम्पोर्टेंट सवाल है, देखते हैं क्या होता है अगले सवाल में। 2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज टेकन लिखा है, ठीक है, टेकन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पी नॉट की वैल्यू सेम है। देखो कितना सही सवाल है, मोलैरिटी दी है आपको अपने रिक्वायर्ड डाटा तक पहुंचना है। देखो कैसे पहुंचते हैं, बहुत सिंपल है, 2 मोलर मतलब 2 मोल्स ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व, फॉर्मूले को याद करो जो मोलैरिटी का होता है, डिजॉल्व इन 1000 ml, 1 लीटर पर लिखता हूँ ना, वो लीटर में होता है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर को मैं कहूँ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो बांट दो आप, देखो इधर सॉल्यूट, इधर सॉल्वेंट और इधर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 ml, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी सवाल के अंदर दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो है 1.2 ग्राम पर ml। अब किसी को कोई डाउट है मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने में, मुझे नहीं लगता, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम है 1000 इनटू डेंसिटी है 1.2, ये आ जाएगा 1200 ग्राम, ठीक। इधर आ जाते हैं, मोल्स ऑफ यूरिया हमें गिवन है और वो क्या है 2। अगर मोल्स ऑफ यूरिया गिवन है और मोलर मास हमें मालूम है यूरिया का होता है NH2CO के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, तो वेट ऑफ यूरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो वेट ऑफ क्या आ जाएगा 120 ग्राम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास हो जाएगा 120 ग्राम। देखो भैया अगर वेट यूरिया का है 120 ग्राम, वेट सॉल्यूशन का है 1200 ग्राम, तो वेट सॉल्वेंट का क्या बचेगा, क्या अब मुश्किल है, बहुत आसान है, सॉल्वेंट का वेट बचेगा 1200 माइनस 120 ग्राम, कितना बचेगा ये 1080, जहां तक मुझे लगता है 1080 ग्राम ही बचेगा, ठीक है। यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वाटर का 18 होता है, तो ये आ जाएगा 18 × 90, 18 × 108, 60 मोल्स यूरिया के मोल्स पहले से पता है, सॉल्वेंट के मोल ये आ गए हमारे पास, फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by number of moles of solvent. Please put the values and solve the equation. P naught minus PS upon PS is equal to I, 1 urea ke liye into solute ke moles, 2 divided by solvent ke mole, 1/16. Toh ye hamara P naught minus PS minus 1 is equal to 1/30. Yahan se aap solve karein,
और पीएस की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सवाल आ रहा है तो देखो, इंटर कन्वर्जन सवाल जेई मेंस और एडवांस में यही काम करता है। मेंस के अंदर तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं सीधे सीधे, बट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और आप टाइप यही होगी। इंटर कन्वर्जन करवाएगा पहले, देन कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ लेगा, तो वो मुश्किल नहीं होता। आप बहुत आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में 11th और 12th की सीबीएसई की पढ़ाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा उठाना होता है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहा है, 6 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व विद 180 ग्राम वाटर। ये वाटर लिखा है, ठीक है, मैं इसको फिर से लिखता हूं, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, इस पे ध्यान दिया जाए, ये कुछ कह रहा है हमें। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कह रहा है, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि यूरिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यूरिया 6 ग्राम है, मोलर मास इसका 60 होता है, 1/10 इसका मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी आप कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा वही सेम फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर 180 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 18, 10 मोल आ गया। भाई ये सवाल तो बहुत आसान हो गया, आई वन होगा, फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जरा रखें, P naught minus PS upon PS is equal to 1 into number of moles, 1/10 into 10, यानि कि value आई P naught upon PS minus 1 is equal to 1/100। चलो तो जरा वीडियो पॉज करो सभी बच्चे और मुझे बताओ क्या ये सवाल इससे आगे बढ़ेगा। फिलहाल अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है, जो कि हम तब से पिछले सारे सवालों में लिखते आए हैं, P नॉट गिवन है 24 टॉर और वो यहाँ भी वही रखने वाला है, तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती है, उसको नहीं रख सकते हम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने पीछे लिखा हुआ है, जब भी पीछे लिखवाया था अभी, कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली 24 टॉर। ठीक है, बट अभी टेम्परेचर सवाल के अंदर क्या दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब P नॉट विल नॉट बी इक्वल टू क्या होगा, 24 टोर। तो फिर P नॉट क्या होगा, तो देखो क्या, देखते हैं क्या होगा P नॉट। हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर, और ये है क्या, वाटर। वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सब्सटेंस का, सिर्फ वाटर की बात नहीं हो रही, वेपर प्रेशर जो होता है वो 1 atm के इक्वल होता है। इज इट ओके, द वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय एनी लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1 atm, और 1 atm को अगर हम टॉर में लिखें तो 760 टॉर आएगा। तो क्या अब क्लियर है कि P नॉट की वैल्यू क्या रखनी है, 760 टॉर निकाल सकते हो, अब मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसको समझा जाता है, जो कि हमारे सीबीएसई के स्कोप में तो नहीं है, बट वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, क्योंकि वो हमारे जेई मेंस और एडवांस के टॉपिक में इंक्लूडेड है, उसमें उस पर बेस्ड सवाल आते हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सही सवाल बनते हैं उससे। ठीक है, अभी इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ Like the video, subscribe the channel and share the video to maximum students so that maximum students can take the benefit from my lectures. Thank you.